हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? विंटर्स आ गई है और सबका मन कर रहा है बहुत टेस्टी टेस्टी खाना खाने का। हर किसी को विंटर्स में क्रेविंग ज्यादा हो जाती है। तो आज मैं विंटर्स की एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी जो सबको बहुत पसंद आती है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और उसको इजी तरीके से हम कैसे बना सकते हैं वो दिखाऊंगी आपको। एंड ऑल्सो इट विल बी ऑयल फ्री रेसिपी, क्योंकि विंटर्स में यूजली होता है ना कि घी और ये सब चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं डाइट में, तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए इस चीज को बैलेंस करने की। आज हम बनाएंगे सबकी ऑल टाइम फेवरेट और स्पेशली विंटर्स में पंजाबियों का अपनी मक्की की रोटी। मक्की की रोटी का नाम सुनते ही जो बिगनर्स होते हैं उनको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है बनानी, और इस चक्कर में कई बार वो लोग बनाते भी नहीं और उसे एंजॉय भी नहीं कर पाते। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी मक्की की रोटी बनाने का बहुत ही ईजी तरीका। तो चलिए उसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। अब मक्की की रोटी बनाने के लिए मैंने एक ही आटा गूंथने वाले बोल में 2 कटोरी मक्की का आटा लिया है। आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा या किसी भी चक्की पर मिल जाएगा, आटा चक्की पर मार्केट में, स्पेशली विंटर्स में। और उसके लिए और मैंने लिया है ये 3 छोटी चम्मच नमक है, काली मिर्च है 1 छोटी चम्मच, 2 छोटी चम्मच अजवाइन है। अजवाइन विंटर्स में बहुत अच्छी रहती है, हमारी बॉडी को वार्मथ देती है अंदर से। ये मैंने लिया है कसूरी मेथी 2 बड़ी चम्मच। कसूरी मेथी की जगह आप फ्रेश मेथी भी ले सकते हैं, बिकॉज विंटर्स में फ्रेश मेथी भी अवेलेबल होती है। ये मैंने ली है 1 मूली ग्रेटेड, मीन्स कद्दूकस की, इसको धो के अच्छी तरह पील करके कद्दूकस कर लिया मूली को, ये आप देखिए ग्रेटेड है, और इसका पानी नहीं निकाला है, एज इट इज है ये। और ये हमने लिया है फ्रेश हरा धनिया, क्योंकि सर्दियों में अगर हमारा कुछ भी खाना हरा हरा ना हो तो बिल्कुल मजा नहीं आता। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं मक्के की रोटी बनाना। उसके लिए सबसे पहले हम आटा गूंदेंगे, और आटा गूंदने के लिए हमने इस बोल में आटे में ये सारे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, नमक, काली मिर्च, अजवाइन और कसूरी मेथी। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे मूली कद्दूकस की हुई, और हमने ये डाला हरा धनिया, ये हमने अच्छी तरह वॉश करके कट कर लिया। अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, बिकॉज फ्रेंड्स मूली में ऑलरेडी पानी होता है अपना, तो पहले हम मूली के साथ इसको आटे को मिक्स करेंगे और उसके बाद जितनी पानी की रिक्वायरमेंट होगी हम उतना पानी डालेंगे। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो मक्के का आटा होता है वो हमारा नॉर्मल जो हम चपाती बनाते हैं गेहूं के आटे की, उससे थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा। देखिए हमारा हमने इस तरह मिक्स कर लिया, और अब हमें इसमें पानी डालने की जरूरत है, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इस आटे को गूंदते जाएंगे। हमने अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लिया, थोड़ा पानी डालते जाएंगे और हम इसे मिक्स करते जाएंगे ताकि हमारा पानी ज्यादा भी ना हो जाए। मक्की का आटा इज मोर इजी टू डो एज कंपेयर टू अदर व्हीट फ्लोर्स। पानी डालेंगे हम, देखिए अब हमारा ऑलमोस्ट आटा मिक्स हो गया है, पूरा अच्छे से मॉइस्ट हो गया है, तो हम इसे ऐसे अपने हाथों से इकट्ठा करते रहेंगे। अभी भी यहाँ पर हमारा देखिए यहाँ पर ड्राई है, तो हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे। कंसिस्टेंसी देख रहे हैं आटे की, अभी ये थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि हमें नॉर्मल आटे से सॉफ्ट रखना होता है इसे, तो हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे, बहुत थोड़ा सा। अब इसमें पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब हमने इसे अच्छे से रसाना है, इसके लिए हमें इसको थोड़ा सा बार बार मलना पड़ेगा। और आटा गूंदने के लिए बहुत ईजी तरीका होता है, तो आप ऐसे एक राउंड बनाइए
और पूरी प्रांत पे ऐसे अपने बोल पे घुमा दीजिए। देखिए हमारा कंटेनर भी साफ हो गया एकदम और हाइजीनिक लगता है इस तरह से आटा गूंदना, गंद नहीं मचता बिल्कुल भी। इसको जितना हम मस लेंगे हमारी चपाती मक्के की रोटी उतनी ही सॉफ्ट बनेगी। हल्का हल्का अपने हाथों को गीला करते रहिए और इसे मिक्स करते रहिए। ऐसे हम अपने हाथ से अपनी फिस्ट बना के एक मुक्की बना के और अच्छे से इसको भून सकते हैं। आटा हमारा ऑलमोस्ट गूंद चुका है। बस इतना हमने इसे मिक्स कर लिया। 8-10 बार आप इसे मुक्की देंगे तो आपका ये आटा तैयार है। ऐसे आप इसे इकट्ठा कर लीजिए। तो ये हमारा आटा तैयार है। अब हम इसे 5 मिनट्स का रेस्ट देंगे ताकि ये और अच्छे से रस जाए और फिर हम मक्के की रोटी बनाएंगे इससे। फ्रेंड्स, जो मैं आज आपको फर्स्ट मेथड बताऊंगी मक्के की रोटी बनाने का, मैंने अपनी कजन प्रीति से सीखा है एंड आई थैंक प्रीति फॉर टीचिंग मी दिस वे ऑफ मेकिंग मक्के की रोटी एंड इट इज सो इजी। और चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे, आप लोगों को भी डेफिनेटली अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं आटे को रेस्ट दिए हुए और बनाते हैं रोटी को। हम इसको रोटी बेलेंगे, उसका तरीका सिखाऊंगी मैं आपको। हमने जो इसका आटे का पेड़ा बनाना है वो नॉर्मल चपाती से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। देखिए आप इसको ना आप ऐसे ऐसे करेंगे और आप देख रहे हैं ये कितना सॉफ्ट है आटा। ये देखिए आप, मैं इसको ऐसे ऐसे घुमा रही हूं ताकि एकदम से ये हमारा प्लेन पेड़ा बन जाएगा। ये देखिए हमने एक पेड़ा बनाया। दो तरीके से बताऊंगी मैं आज आपको मक्के की रोटी बेलना। एक तरीका जिसमें हम पॉलिथीन यूज करते हैं, ये जो हमारे पास पॉलिथीन होते हैं ये हम मैंने इस तरह वॉश कर लिया था और इसे सुखा लिया है। हम एक पॉलिथीन ऐसे रखेंगे, बहुत ही इंस्टेंट तरीका है ये रोटी बनाने का। उसके ऊपर हमने ये पेड़ा रखा अपना, इसके ऊपर हम एक पॉलिथीन और रखेंगे और ये हमारा चकला। चकले को हमने ऐसे उल्टा कर दिया इस पेड़े पे और इसे हमने ऐसे प्रेस कर दिया, पूरा फोर्स लगा दिया अपना। और हम इसको हटाएंगे, ये हमने इसे हटाया। देखिए अभी भी ये थोड़ी सी मोटी है तो हम इसको थोड़ा सा और प्रेस करेंगे। हमने वापस चकला रखा इस पे और हम इसको थोड़ा सा चारों तरफ से और अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि हमारी रोटी पतली हो जाए। अब हम इसे हटाएंगे चकले को और देखिए एकदम परफेक्ट, एकदम राउंड शेप की प्रॉपर हमारी ये मक्के की रोटी बिल गई। तो देखिए कितना आसान है, जो आप लोगों को बहुत डिफिकल्ट लग रहा था चपाती बनाना मक्के की। अगर आप पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो मैं आपको एक तरीका और बताऊंगी मक्के की रोटी बनाने का, के बाद हम इन्हें इकट्ठे सेक लेंगे। दूसरा तरीका है फ्रेंड्स, हम चकला लेंगे, हम मक्की की रोटी को बेलने से नहीं बनाएंगे। ये हमने चकला लिया, उसके ऊपर हमने ये गीला किचन नैपकिन ले लिया, इसको हमने ऐसे खोल दिया। ये किचन नैपकिन को मैंने अच्छी तरह वॉश करके एकदम ऐसे निचोड़ लिया था, रिंग कर लिया था, पानी सारा सूख गया, एकदम मॉइस्ट चाहिए बस। ठीक है, हम एक पेड़ा और बनाएंगे, अगेन थोड़े से बड़े साइज का एज कम्पेयर टू हमारी जो गेहूं की रोटी होती है। मैं घर में मोस्टली इसी तरीके से बनाती हूँ मक्के की रोटी। और जब हम ये रोटी बना रहे हैं एकदम स्टफ्ड है, इसमें हमारे पास मेथी भी है, मूली भी है, धनिया भी है, तो आपको इसके साथ कोई सब्जी या साग की जरूरत नहीं है। बस गर्मा गर्म मक्के की रोटी पे बटर रखिए, अचार लीजिए और
एंजॉय कीजिए। आप इसे ब्रेकफास्ट, लंच में किसी भी टाइम खा सकते हैं। ये हमारा पेड़ा बन गया, इसको हम ऐसे रखेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें ना हमें अपने हाथ का इस्तेमाल करना है, जो हमारे हैंड का ये वाला एरिया है, हमने इससे ऐसे ऐसे प्रेस करना है। आप देखिएगा, पहले हम फिंगर्स में थोड़ा सा पानी लगाएंगे, हमने अपने पेड़े को थोड़ा सा गीला किया ताकि हाथ पे चिपके ना, और हम ऐसे ऐसे इसे दबाते दबाते फैलाते रहेंगे चारों तरफ से, चारों तरफ से आप इसे दबाते रहिए, जहां जहां से आपको मोटा लग रहा है, और आप इसे राउंड शेप में फैलाते रहिए। ये भी बहुत इजी तरीका है। इसको थोड़ा सा हम और गीला करेंगे। हमने इसे देखिए, यहाँ से मोटा है तो मैंने इसे यहाँ से प्रेस कर दिया, जहां जहां से मोटा है वहां वहां से हम इसे प्रेस करते रहेंगे, और ये भी बहुत जल्दी बन जाता है। आप देख रहे हैं कैसे हमारी रोटी बिल रही है, एकदम राउंड शेप में। और जितना पतला करना चाहें आप इसे इतना पतला कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि इतना पतला ना हो कि आप इसे उठाएं और ये टूट जाए। हल्का सा पानी और लगाएंगे, और जहां जहां से मोटा है एक बार इसे और प्रेस कर देंगे। तो लीजिए, ये हमारी एक रोटी और बेल गई। तो मैंने आपको आज दो तरीके सिखाए मक्की की रोटी बेलने के, इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। और इसको उठाने का तरीका मैं बताती हूँ, आप इसे चकले से उठाएंगे कैसे। आपने ये नैपकिन को ऐसे पकड़ा, अपना हैंड यहाँ रखेंगे पूरा, धीरे धीरे चपाती को आपने ऐसे उतारा, और ये आपकी प्रॉपर चपाती होगी। अभी मैं इसी पे रख देती हूँ, क्योंकि हम इसे डायरेक्ट तवे पे डालेंगे। तो तवे को रखते हैं गैस पर, और अपनी रोटी को सेकते हैं। दोनों रोटी को आपको सेक के दिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने दो चपाती बेली थी, उनको सेकते हैं हम। और सेकने के लिए मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक पैन लिया है, आप चाहें तो नॉर्मल तवा भी ले सकते हैं, ये नॉनस्टिक तवा है। और नॉनस्टिक मैंने इसलिए लिया ताकि हमें कम से कम घी का इस्तेमाल करना पड़े। तवे पर हमें कम से कम घी इसलिए लगाना चाहिए, बिकॉज जितना हम घी को जलाते हैं उतना वो बैड फैट में कन्वर्ट होता है, वो हमारी बॉडी के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसलिए मैंने नॉनस्टिक तवा लिया है, और मैं ऐसे थोड़ा इसको ऊपर करके फील कर सकती हूँ कि ये गर्म हो गया है तवा। इस पर मैं बहुत ही थोड़ा सा, बिल्कुल ना के बराबर देसी घी लगाऊंगी। ये देखिए आप, बिल्कुल मैंने इतना सा देसी घी लिया, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्प्रेड कर दिया तवे पे बीच बीच में, ताकि हमारी रोटी चिपके नहीं। और एक ही बार लगाना पड़ेगा, हमें बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, बीच बीच में हम लगा सकते हैं। ये हमने रोटी ली जो हमने हाथ से बेली है, और हमने इसे इस पे डाल दिया। जब हमारे को ऊपर से थोड़ा सा कलर चेंज लगेगा तब हम इसे पलटेंगे, और हम तवे पर बिल्कुल भी घी नहीं लगाएंगे रोटी सेकते हुए। थोड़ा थोड़ा इसे हम साइड से, कॉर्नर से हिला देंगे ऐसे, ताकि वो चिपके नहीं। अभी जब ये सिकेगी, आपको ना ऊपर से ड्राई ड्राई फील होगी रोटी, आप तभी इसे पलटिएगा, अदरवाइज ये टूट सकती है। तो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं ऊपर से हमारी रोटी ड्राई हो गई है, और हम इसको ऐसे चारों तरफ घुमा के, और ऐसे हम इसे पलट देंगे। देखिए, इधर से हमारी रोटी सिक गई है। थोड़ा सा इसको हिला देंगे अगेन, ताकि ये चिपके नहीं, और आप ऐसे इसे प्रेस कर सकते हैं। नॉनस्टिक की मजेदार बात यह है कि इसे, जिनने ऑयल मना है या बिल्कुल बंद है जिनका ऑयल खाना, वो भी इस रोटी को एंजॉय कर सकते हैं। और मैं एक इन्फॉर्मेशन की बात आप लोगों को देना चाहूंगी, फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बींग, चाहे उनको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है,
एक दिन में 2 चम्मच घी या ऑयल, किसी भी तरह का ऑयल, टोटल 2 चम्मच ऑयल इज सफिशिएंट फॉर अ ह्यूमन बॉडी। उससे ज्यादा जब हम लोग लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में फैट की फॉर्म में स्टोर होता रहता है और हमें काफी हेल्थ इश्यूज देकर जाता है। एक बार हम चेक कर लेंगे कि हमारी थोड़ी सी, अभी हमारी रोटी कच्ची है तो हम इसे थोड़ा सा एक बार और पलटेंगे और ऐसे ऐसे से हम इसे प्रेस करेंगे। ये हम तेज आंच पर ही कर रहे हैं। अगर आप साथ साथ और चपाती बेल रहे हैं तो आंच को धीमा करके अपने साथ साथ और काम भी कर सकते हैं, आपकी रोटी सिकती रहेगी। बीच बीच में आप उसे थोड़ा सा चेक करते रहिए। देखिए हमारी रोटी एकदम सिक गई है। अब हम इसे प्लेट में ट्रांसफर करने के बाद प्लेट में ट्रांसफर किया और ये ऊपर से हमने इस पे बढ़िया सा देसी घी लगा दिया। और अब आप चाहें तो इसे बटर, अचार, दही किसी के साथ भी खा सकते हैं। इसी तरह हम अपनी दूसरी रोटी सेक लेंगे। ये हमने दूसरी रोटी ली और देखिए फ्रेंड्स, इस बार मैं घी नहीं लगाऊंगी बिकॉज एक बार मैंने तवे पे घी लगा दिया था और अभी ये रोटी ऐसी ही बन जाएगी बिना घी लगाए तवे पे। वेट करते हैं जब तक ऊपर से थोड़ी ड्राई ना दिखने लग जाए। ये देखिए आप फ्रेंड्स, ये कॉर्नर से ड्राई हो गई है रोटी और हम इसे ऐसे हल्का हल्का एक बार चेक कर लेंगे और ये हमारी देखिए बिना घी के ही हमारी ये रोटी उतर गई, चिपकी नहीं बिल्कुल भी। तो इस तरह से हम घी का इस्तेमाल अवॉइड कर सकते हैं। ये सिर्फ मक्की की रोटी के लिए नहीं, कोई भी तरह का आप पराठा बनाते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि उसे तवे पर मत तलिए, उतार के आप अपना घी लगाइए, चाहे वो बच्चों को दे रहे हैं, चाहे वो आप बड़ों को दे रहे हैं या आप खुद खा रहे हैं। बिकॉज सेहत हर एज में हमें चाहिए और वही लाइफ टाइम तक हमारे साथ रहती है। थोड़ा थोड़ा हम इसे हिलाते रहेंगे और हमारी रोटी दूसरी साइड से भी सिक जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, चेक कर लेते हैं दूसरी साइड से। ऐसे साथ साथ इसे आप थोड़ा थोड़ा प्रेस करते रहिए और हम इसे पलट देंगे और ये देखिए हमारी पूरी रोटी अच्छी तरह सिक गई। थोड़ा सा इसे और सेक लेते हैं। गैस को बंद कर देंगे। सेकने के बाद हमने इसे सर्व करने से पहले घी लगाया और हमने इसे ट्रांसफर कर दिया प्लेट। यहाँ पर हमने अपनी रोटी को बिल्कुल भी तला नहीं तवे पे और घी नहीं जलाया नहीं घी को। और अब हम इसके ऊपर रखेंगे येलो बटर रखेंगे और आप चाहें तो व्हाइट बटर भी ले सकते हैं और गर्मा गर्म मक्की की रोटी को एंजॉय कीजिए। तो ये हमारी डिलीशियस, हेल्दी, बहुत ही आसान तरीके से ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए मक्की की रोटी तैयार है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने आज सीखी बहुत ही आसान तरीके से मक्की की रोटी, कैसे हम आटा गूंथते हैं, कैसे बेलते हैं और बिना घी के हम कैसे उसे तवे पे सेक सकते हैं। तो एंजॉय कीजिए। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। जरूर ट्राई कीजिए सर्दियों में और अपने कमेंट्स दीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, कीप वॉचिंग फॉर मोर वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, टेक केयर।